एग्जाम सेव करे तो बस ऑटोमेटिक कटिंग। मैंने सिर्फ 5 बुकों में जो है ना सेटिंग की है, अब उसके बाद जो प्रोग्राम सेव है। बस खाली याद रखना होता है कि कौन सा कट कब मारा है। बहुत इजी मशीन है, बहुत ज़्यादा। एक में 4 लगेंगे, 1, 2, 3, 4। एक कट मैंने इजाफे किया था, अब देखें वापस कट 1 में जाना है तो रन कर दें। अभी कट 1 में चला जाएगा, देखा। अच्छा, डायरेक्ट 12 नंबर प्रोग्राम में जाना हो तो जैसे कैंसिल किया, जैसे 0 हो गया, 0 हो गया। अब डायरेक्ट मैंने 12 में जाना है, 12 लगाया फन, देखें फन का बटन दबाया, प्रोग्राम ऑटो रन, ऑटो रन। उसके बाद अब मैं इसको डिलीट करूँगा क्योंकि इसमें मैंने प्रोग्राम ऐड करना है। एडिट दबा के एडिट, एडिट का बटन दबा के फिर उसके बाद डिलीट करते रहना है। देखें डिलीट दबाया, उधर से एक कट डिलीट हो गया, दूसरा भी डिलीट हो जाएगा, तीसरा MPT। अब ये जो है ना खाली हो गया इसमें, यानी अब आप यानी इसमें फ़र्ज करें, ये देखें मैंने थोड़ा सा यानी हाँ, अब देखें कट में लगाऊंगा तो अब एक कट सेव हो गया इसमें, बल्कि अभी देखें कट इंटर, इंटर दबाएंगे तो उसके बाद यानी अट्ठाईस इशारिया 300 जी। अब जो ये कट सेफ हो गया, दूसरा कट अब ये थोड़ा सा आगे करके बाद में 27 पे ये कट 2, ये भी सेफ हो गया। अब इसके बाद मैंने दोबारा कट 1 में जाना है तो बस अब ये ऑटो रन कर दें, दोबारा कट 1 में चला जाएगा। रन किया कट 2 में, अब डायरेक्ट मैंने प्रोग्राम 1 में जाना है, कैंसिल किया, कैंसिल सी से कैंसिल हो जाता है, 0-0 हो जाता है। फिर 1 दुबई, 1 दुबा के फन दुबई, फन दुबा के साथ इसको प्रोग्राम, प्रोग्राम 1 आ गया, ऑटो रन। अब इसी में आपने कट में जाना हो आगे, यानी आपने कहना कि मैंने 3 नंबर कट में जाना है तो कैंसिल किया, यानी 3 नंबर में जाना है, उसको फन करें और ये भी कट है, ये देखें ना सी का मतलब है कट। अब 3 नंबर कट में डायरेक्ट चला गया, अब इसको रन कर दें, देखें 25 सेंटी पे चला गया। ये प्रोग्राम 1 है, इस पर A4 कटिंग होता है 23-33 और 35 और 25 भी इस पर कटिंग कर सकते हैं आप। एक 35 पीछे 25 और इसी में आगे जाते जाने 23, वो 23 के लिए दूसरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम 2। कटिंग बहुत इजी है इसकी।